क्रिकेट की अगर बात की जाए तो उसमें इस वक्त मुख्तलिफ महाज चल रहे हैं। एक तो इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान का टेस्ट मैच, साथ में ख़वातीन की जो टीम है उनका दुबई में आगाज़ हो चुका है T20 वर्ल्ड कप का, और पहला जो आगाज़ है श्रीलंका के ख़िलाफ़ उन्होंने फातिहाना किया। इससे पहले गो के दो प्रैक्टिस मैच थे उसमें नाकामी हुई थी। और इसी तरह से अगर बात की जाए तो बहुत से चैलेंजेस हैं, आगे चैम्पियंस कप भी है, पाकिस्तान ने दौरे करने, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के, तो बहुत कुछ है क्रिकेट में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि टीम बेहतर परफॉर्म। बिल्कुल जी, और हमारे साथ हमारे सदीकी साहब हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनसे ही बात करते हैं इस हवाले से कि वो क्या बताते हैं हमें। हमारे सदीकी साहब, वेलकम टू शो। कहेंगे आपको पहले तो ये बताएं कि हम लोग देख रहे थे कि हमारी जो वुमेन क्रिकेट टीम है वो खासी कमज़ोर नज़र आ रही थी टेस्ट मैचेस के अंदर, लेकिन जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया और जिस तरह से उन्होंने श्रीलंकन टीम को अपने सामने टिकने नहीं दिया बल्लेबाजों ने, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और हम लोग मुबारकबाद भी देंगे अपनी टीम को कि जाहिर है फातिहाना आगाज़ हुआ, जो एक खुशी की लहर महसूस की जा रही है कि क्रिकेट में खवातीन ही सही, कम बैक तो हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी न्यूज़ आज के दिन के हवाले से। पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम ने जो वर्ल्ड कप है T20 का, उसका आगाज विक्ट्री के साथ किया, न श्रीलंका एशियन, उसको शिकस्त देना एक अच्छी अचीवमेंट है। प्रिपरेशन की बात होती है तो उससे पहले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक बड़ी जबरदस्त सीरीज खेली, ऑल्दो वो सीरीज साउथ अफ्रीका ने जीती, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स का वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं एक्सपोजर बहुत मैटर, आपको फाइन ट्यून करना होता है अपने आप को। पाकिस्तान कैप्टेंसी चेंज हुई है, फातिमा सना कैप्टन आई है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बैटिंग में फियरलेस क्रिकेट खेलती है जाके, और फिर बॉलिंग आपको नजर आया कि जबरदस्त ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर थी। एक तो 116 रन को इतने ज्यादा नहीं थे, वो भी आप 31 रन से जीत गए, तो हमने बहुत अच्छा कंटेंट किया और मैच जीता अपने लिए। उम्मीद करते हैं ये जीत का तसलसल आगे भी जारी रहेगा। अब आते हैं जरा लड़कों की तरफ। एक तो बड़ी डेवलपमेंट है, बाबर आजम ने वनडे की कप्तानी से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। वो कह रहे हैं कि वो अपने खेल को बेहतर करना चाहते हैं, बैटिंग पे फोकस करना चाहते हैं। वाकई में यही मामला है या फिर प्रेशर था बोर्ड की तरफ से इतना कि उन्हें ये फैसला लेना पड़ा? हमाद भाई, देखिए प्रेशर तो था इसमें तो कोई शक नहीं। जब भी फॉरेन कोचेज आते हैं तो वो अपने हिसाब से बिल्कुल कहते हैं ना 360 डिग्री वो टर्न चाहते हैं कि जो पिछला सेटअप था उसको इग्नोर करते हैं, जो जो एजेड प्लेयर्स हो रहे थे उनको निकालना शुरू कर देते हैं। हम इंडिया के जॉन राइट और उन्होंने आपके साथ एजेड प्लेयर्स को साइड पे करना, और यंग प्लेयर्स के साथ वो एक नई टीम बिल्ड करना चाहते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, बाबर आजम एक साल पहले दोबारा उन्हें कैप्टेंसी दी गई थी शाहिन शाह में, लेकिन फिर वही प्रेशर इस बोर्ड में, पहले वकार यूनुस को डायरेक्टर बनाया गया, फिर डायरेक्टर के बाद से वो हटा के फिर वो मेंटोर, फिर ड्यूरिंग द चैंपियनशिप पाकिस्तान वनडे चैंपियनशिप में हमारे दो मेंटोर जो है वो चैंपियनशिप को छोड़ के अमेरिका चले गए चैरिटी, तो आपको नजर आना चाहिए सीरियसनेस क्या है, किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को या अपने पर्सनल को। तो हमारे साथ इसमें कौन सा बड़ा बड़ा नाम है या बड़ा उम्मीदवार है, मजबूत उम्मीदवार है, या फिर हम देखें तो गैरी क्रिसन का कोई फेवरेट है जिसको कप्तानी मिलने जा रही है, वो नए प्लेयर्स को भी लाना चाह रहे हैं, क्या कोई नया प्लेयर भी कप्तान बन सकता है? देखिए अगर आप नया इधर उधर बिला वजह टाइम जाया करें, बेहतर ऑप्शन इस वक्त जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो मोहम्मद रिजवान। आपने टेस्ट टीम में डिसाइड किया कि हमें शान मसूद कैप्टन बनाने, जो भी उसका रीजन है हम पिछले प्रोग्राम में डिस्कस करें, लेकिन वनडे में या T20 में मोहम्मद रिजवान से अच्छा कैप्टन कोई नहीं है। वो टीम को किस तरह जलेबा लेके जाता है और फिर रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये नहीं कि रिजवान को कैप्टन बना दिया, मुल्तान सुल्तान टाइटल भी जीत रहा है, फाइनल तक भी पहुंच रहा है, तो ऐसे नहीं पहुंच रहा, कंसिस्टेंसी नजर आती है, तो रिजवान बेटर ऑप्शन है, उन्हें बनना भी चाहिए। अच्छा हमाद भाई, एक चीज हमने देखी है कि ये जब से मसला शुरू हुआ है धड़ेबंदी का, ग्रुपिंग का, उसकी बड़ी वजह ये थी जब बाबर को हटाया गया, शाहीन को लाया गया, उसके बाद फिर वापस ली गई उनसे कप्तानी, तो एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर गई टीम, उसकी वजह से आज तक वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाई जो कि होनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम दुनिया भर में देखते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स कप्तानी के बगैर भी परफॉर्म करते हैं, विराट कोहली की मिसाल है हमारे पड़ोस में, वो भी तो रोहित शर्मा की कप्तानी में परफॉर्म कर रहे हैं और अपने आप को मनवा रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पाते ये? बिल्कुल, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, ये सारे कैप्टन रहे और फिर उसके बाद से कैप्टेंसी छोड़ के एज ए प्लेयर, एज ए इंडिविजुअल खेले, जो इनकी प्राइम जॉब है बीइंग ए बैट्समैन आपको डिलीवर करना है। तो बाबर आजम के ऊपर से मैं कहूंगा बहुत अच्छा, हम बहुत अरसे से कह रहे थे कि बाबर आजम को कैप्टेंसी छोड़ देनी चाहिए और बाबर आजम एज ए बैट्समैन, जो उनका एक है ना कि सारी दुनिया के फैबुलस फोर अगर हम कहें टॉप फोर बैट्समैन, तो बाबर का उसमें शुमार होता है, लेकिन पिछले डेढ़ दो साल
बाबर नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, प्रेशर था, बहुत सारे रीजन थे, पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेल रही थी। अब इंग्लैंड की टीम आ रही है और इंग्लैंड के अगेंस्ट स्ट्रेटेजी जो है वो स्पिनिंग विकेट है, वो हमें नजर आ गया कि बैस बॉल क्रिकेट सारी दुनिया खेल रही है, पाकिस्तान उसको मैच नहीं कर सकती, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है ना कि हम 5 रन पर ओवर की रन रेट से टेस्ट क्रिकेट में खेल सके। वनडे में खेले और बात है, लेकिन 5 डे क्रिकेट को देखते हुए ये ना कि हम एक सेशन में ही आउट हो जाए। अच्छा, और अच्छा, एक और चीज भी है ना कि बार बार कप्तान भी चेंज होता है, हम लोग देखते हैं कि हमारे खिलाड़ी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि कप्तान का बार बार तब्दील होना भी कहीं ना कहीं खिलाड़ियों पर असरअंदाज होता है। इस बार जो बोर्ड है वो बैठ कर कोई बेहतर फैसला कर पाएगा, कोई ऐसा कप्तान दे पाएगा जो कि थोड़ा लंबा अरसा तक चल सके टीम को लेकर? देखिए बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वो कैप्टन को कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कैप्टन को खुद भी डिलीवर करना है। यहाँ पे शान मसूद की परफॉर्मेंस ही नहीं है, वो खाली बहसित कैप्टन खेल नहीं पाएंगे जब तक कि वो खुद एज ए बैट्समैन ना परफॉर्म कर सके। कुछ और भी रूमर्स चल रहे हैं हमारे सब के, पहले भी बाबर आजम ने इसलिए कप्तानी छोड़ी थी क्योंकि उन्हें तमाम फॉर्मेट की कप्तानी चाहिए थी, क्या इस बार भी कुछ ऐसा रौला तो नहीं है कि उन्हें तमाम फॉर्मेट की कप्तानी चाहिए इसलिए वो ये कप्तानी छोड़ के एहतजाजन पीछे हटे हो? नहीं, वो पुरानी बात हो गई, हो सकता है उस वक्त ऐसी बात रही हो, लेकिन अब क्योंकि वो बिल्कुल चेंज हो गया, मोहम्मद यूसुफ जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर है उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, तो ऐसे रेजिग्नेशन क्यों हो रहे हो? पीछे मोहम्मद यूसुफ की रेजिग्नेशन ये है कि उन्होंने कहा कि मुझे उन प्लेयर्स को टीम में शामिल करने दिया जाए जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, मोहम्मद करें कामरान इंग्लैंड जाते जाते बता दीजिए, इंग्लैंड के साथ अब मैच है जो बांग्लादेश के खिलाफ होना था वो तो हो चुका, अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? लगता है कि शान मसूद और उनकी टीम परफॉर्म कर पाएगी, बेहतरी कर ला पाएगी अपने खेल में? देखिए जिस तरह हम बुरी तरह एक्सपोज हुए अगेंस्ट बांग्लादेश, बांग्लादेश उसी तरह बुरी तरह एक्सपोज हुआ अगेंस्ट इंडिया। 5 दिन का टेस्ट मैच, 2 दिन बारिश हो गई, सिर्फ 172 ओवर्स में, लेस देन 2 डेज में रिजल्ट आ गया। तो टीम डिफरेंट स्टाइल में खेल रही है, इंग्लैंड बिल्कुल इस अंदाज में खेलेगा, तो हमें उनको स्लो डाउन करने के लिए स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जाहिद महमूद को भी पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया गया है, साथ साथ नुमान है, तो एक्सपीरियंस बॉलर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट। रविचंद्र अश्विन इंडियन स्पिनर, एक्सपीरियंस की वजह से उसने ना सिर्फ बैटिंग में 100 स्कोर किया, बॉलिंग में ही आल्सो कैप्चर्ड 9 विकेट्स। तो हम नए प्लेयर्स को उस वक्त तक में ना लाएं जब तक कि उनका लेवल उतना हो जाए, उनको बिल्कुल ग्रूम किया जा सकता है, लेकिन ऐसी मेजर सीरीज जब आती है तब आपको एक्सपीरियंस प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो टफ आपके लिए डिलीवर करके दे सके। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे हमाद सिद्दीकी साहब, और उम्मीद करते हैं पाकिस्तानी टीम मिलके खेलेगी, पाकिस्तान के लिए खेलेगी और अपने खेल में बेहतरी लेकर आएगी ताकि उन पर जो उंगलियां उठ रही हैं उसमें कुछ कमी हो सके और शायकीन को एक अच्छा खेल देखें। बिल्कुल, और हम अपनी वेमेन टीम को कहेंगे कि जमकर खेलें और इसी तरह से अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर से बेहतर करते जाएँ।